हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक जो आगामी एग्जाम्स में आ सकते हैं संभावित प्रश्न, उसके बारे में यस्टरडे आई हैव अपलोडेड फर्स्ट सीरीज ऑफ द करंट अफेयर। टुडे आई एम अपलोडिंग सेकंड सीरीज ऑफ द करंट अफेयर विच विल डेफिनेटली कम इन द कमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, मध्य प्रदेश सिविल जज की परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में ये जो करंट अफेयर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज करंट अफेयर का सेकंड सीरीज है, तो हम लोगों ने करंट अफेयर लिया है जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक। तो ऐसे कौन से संभावित प्रश्न हैं, आज उसका ये दूसरा लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, विमेन हु वॉन दी गोल्ड इन दी पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला का नाम क्या है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो अवनी लखेरा विल बी द राइट आंसर। नंबर सेकंड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में सबसे पहले कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ की थी, किंतु आपको पास ये प्रश्न आ जाए कि कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य कौन सा है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, तो आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 75वां जो हमारा इंडिपेंडेंस डे अभी 2021 में मनाया गया था, तो जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या रखी गई थी, तो थीम अगर आ जाए तो लिखेंगे नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले, इस थीम के ऊपर ही 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गवर्नमेंट जिसने 1% रिजर्वेशन प्रारंभ कर दिया उन बच्चों के लिए जो ऑर्फेन हो गए कोविड की वजह से, कोविड महामारी में माता पिता की डेथ के बाद जो बच्चे ऑर्फेन हो गए, अनाथ हो गए, उनके लिए 1% रिजर्वेशन घोषित करने वाला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र ने 1% रिजर्वेशन की घोषणा की। आईएएस अफसर जिन्होंने ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, उनका नाम अगर आ जाए तो आंसर इज सुहास यतिराज। तो सुहास यतिराज एक आईएएस हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में मेडल जीता, सिल्वर मेडल। तो वाटर, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला पहला राज्य कौन बन गया, यानी अपने नागरिकों को निःशुल्क पानी वितरण करने वाला राज्य बन गया, गोवा। द आंसर इज, प्रॉपर आंसर इज गोवा। अनदर क्वेश्चन, आरबीआई के कौन से गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए 2021 में, द नेम इज शशिकांता दास। तो शशिकांता दास जो है आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके बाद 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो रजनीकांत अभिनेता को प्रदान किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। फर्स्ट स्वदेशी इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट, यानी पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम आ जाए तो आपको लिखना है आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत जो है पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत का। ऐसा राज्य जहां पर तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने वाला है वो है उत्तर प्रदेश, और अगर शहर का नाम आ जाए तो कुशीनगर में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस राज्य में आ जाएगा। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर जो 28 नवंबर को स्थापना दिवस मना रहा था, कौन सा स्थापना दिवस मनाया 2021 में, तो 73rd स्थापना दिवस एनसीसी द्वारा मनाया गया 28 नवंबर में। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट फूड म्यूजियम, पहला भारत का फूड म्यूजियम कहाँ एस्टैब्लिश हुआ, तो तंजवर तमिलनाडु में पहला फूड म्यूजियम एस्टैब्लिश हुआ। इंडिया फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कौन सा है, द आंसर इज हबीबगंज भोपाल। और ये क्वेश्चन एक और आ सकता है इसी के बारे में कि हबीबगंज भोपाल स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया, द आंसर इज रानी कमलापति। तो रानी कमलापति के नाम से अभी ये स्टेशन जाना जाएगा। इसके बाद इंडिया रीइलेक्ट हुआ 2021 से 2025 में यूएनओ के एक महत्वपूर्ण ऑर्गन में फिर से रीइलेक्ट हुआ है 2021 से 25 तक, द ऑर्गन नेम इज यूनेस्को। तो यूनेस्को में इंडिया फिर से रीइलेक्ट हुआ है। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है, तो आंसर इज 19 नवंबर। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड किन्हें बनाया गया, तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड बनाया गया वीवीएस लक्ष्मण, पूर्व बैट्समैन जो भारत के पूर्व बल्लेबाज थे वीवीएस लक्ष्मण, उनको बनाया गया। तो ये है मित्रों कुछ करंट अफेयर्स जो 2021 जनवरी से लेकर मार्च 2022 के हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.